अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेन बॉय मेकअप का कंप्लीट ट्यूटोरियल और आपको बताऊंगी कि ग्लिटरी लाइन आप किस तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं अपने ब्राउ बोन पर सिल्वर हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैं अपने आउटर कॉर्नर पर ब्लू कलर की फिंगर के साथ अप्लाई करूंगी। ये शेड अलग अलग भी मार्केट से मिल जाते हैं। मैंने ये सारे शेड एक ही आई शेड पैलेट में से लगाए हैं क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग शेड भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पर मैंने पिंक कलर अप्लाई किया है। अब मैं गोल्डन कलर अप्लाई करूंगी। लास्ट पर मैं सिल्वर कलर अप्लाई करूंगी। शेड्स अप्लाई करने के बाद आपने आउटर से इनर की तरफ स्टेप बाय स्टेप आना है, मतलब आपने ब्लू से पिंक की तरफ और पिंक से गोल्डन की तरफ जाना है। इसी तरह से आपने इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। जब तक ये कलर्स आपका ब्लेंडिंग लुक में नज़र नहीं आते आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करते जाना है। आप इस आई मेकअप लुक को मेहंदी वाले दिन भी क्रिएट कर सकती हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद आपने आई क्रीज पर लाइट ब्राउन शेड भी अप्लाई करना है और उसके अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। मैं यहाँ पर किस चैन का जेल आईलाइनर यूज कर रही हूँ। लाइनर अप्लाई करने के बाद मैंने फ्लैट ब्रश पर थोड़ा सा कंसीलर लगाकर अपने आउटर कॉर्नर को नीट किया है। अब मैं यहाँ पर ग्लिटर लाइन क्रिएट करूंगी। ग्लिटर लाइन क्रिएट करने के लिए मैंने सिल्वर कलर का ग्लिटर लिया है और इसमें ग्लैमरस की ग्लिटर ग्लू ऐड की है। मैं ग्लिटर लाइन लाइनर ब्रश के साथ क्रिएट कर रही हूँ। अब मैं मिस रोज का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और लास्ट पे मैं 3D आई लैशेज अप्लाई करूँगी। लैशेज अप्लाई करने के लिए मैंने किस चैन की लैश गम यूज़ की है। लोअर लैश लाइन पर मैं पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। आंखों के अंदर मैंने हुदा ब्यूटी की वाइट कलर की पेंसिल यूज़ की है। मेरा आई मेकअप कम्प्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।